आजकल काफ़ी लोग मल्टीपल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स का उपयोग करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको इस प्रकार के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होल्डर के बारे में बताने वाला हूं। मेरे पास 3 इस प्रकार के क्रेडिट या डेबिट कार्ड होल्डर है और ये जो सिल्वर कलर का क्रेडिट कार्ड होल्डर आप देख रहे हैं ये Xiaomi का है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और जैसा कि मैंने आपको बता दिया मेरे पास ये 3 क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं और ये तीनों कार्ड होल्डर्स की खासियत ये है कि ये RFID ब्लॉक करता है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये जो RFID होता क्या है। तो बेसिकली जो शॉपकीपर होता है उसके पास POS मशीन होता है और उस पर आमतौर पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स को स्वाइप किया जाता है। लेकिन अगर आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है 2000 रुपये के अंदर है और आपका जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड RFID सपोर्ट करता है तो जो शॉपकीपर है वो सिर्फ इस कार्ड को POS मशीन के पास लेके जाएगा, उसे स्वाइप नहीं करेगा। और RFID का फ़ायदा ये है कि जो अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है और आपको पिन एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो RFID फीचर है ये है तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। उसके लिए आप इस प्रकार के स्टोरेज केस का उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो स्टोरेज केस है ये RFID को ब्लॉक करता है, मतलब कि जब तक क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस स्टोरेज कार्ड होल्डर के अंदर है तो RFID काम नहीं करने वाला। मतलब ये कि अगर आप इस स्टोरेज केस को POS मशीन के पास भी लेके जाएंगे तो भी ये काम नहीं करने वाला है। उसके लिए आपको इसमें से जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। और ये जो कार्ड होल्डर्स होते हैं ये यूनिक किस्म के होते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसे इस प्रकार से पुल करते ही जो कार्ड है वो बाहर इजेक्ट हो जाता है इस प्रकार से, ये देखिए। तो इसमें आप तकरीबन 4 से 5 क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स डाल सकते हैं और जब कभी आपको कार्ड्स निकालना है इस प्रकार से आप इसे प्रेस कर सकते हैं और कार्ड्स जो है बाहर इस प्रकार से आ जाएंगे और आप आसानी से जो भी कार्ड आपको उपयोग करना है उसे निकाल सकते हैं। अब तीनों कार्ड होल्डर्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और ये मेटल का है। तीनों जो कार्ड होल्डर्स है ये मेटल का है। अब ये जो कार्ड होल्डर है इसके ऊपर ये लेदर पाउच लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे बेल्ट पर लगा सकते हैं या ये जो पूरा का पूरा भाग है इस प्रकार से निकल जाता है। तो ये और ये एक तरह से सेम हो गए हैं। ये एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी दिया हुआ है। अब ये जो कार्ड होल्डर है ये मैंने अली एक्सप्रेस से ख़रीदा हुआ है। अली एक्सप्रेस पर आपको तकरीबन 200 से 500 रुपये के आसपास में इस प्रकार के कार्ड होल्डर्स मिल जाएंगे। और ये जो कार्ड होल्डर है ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा हुआ है, ये भी आपको अमेज़ॉन पर तकरीबन 500 से 700 रुपये के आसपास में मिल जाएंगे। और ये वाला जो है ये Xiaomi का कार्ड होल्डर है और देख सकते हैं कि इसकी बिल्ड और फिनिशिंग एकदम Xiaomi स्टैंडर्ड की है। ऐसा लग रहा है जैसा कि ये छोटा सा पावर बैंक है। और इसकी यूनिक चीज़ ये है कि यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है, इस बटन को प्रेस करते ही इस प्रकार से ये देखिए इजेक्ट हो जाता है। अब ये जो कार्ड होल्डर है इसमें आप विजिटिंग कार्ड्स भी डाल सकते हैं और क्रेडिट कार्ड्स अगर आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो जब कभी आपको कार्ड्स निकालना है इस बटन को प्रेस करना है और ये देखिए इस प्रकार से इजेक्ट हो जाता है। और ये जो भाग है ऊपर इसे आप इस प्रकार से मोड़ सकते हैं। चलिए इसमें मैं कुछ क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स डाल देता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये किस प्रकार से काम करता है। तो ये देखिए मैंने इसमें क्रेडिट कार्ड डाल दिया है और ये देखिए इस प्रकार से ये इजेक्ट होता है। यहाँ पर आपको जो कार्ड है उसे एक एक करके बाहर निकालना पड़ेगा तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है कार्ड्स को निकालने के लिए, लेकिन ये कार्ड होल्डर मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि जब आप इसे इजेक्ट करते हैं तो देखिए कार्ड इस प्रकार से बाहर आते हैं। तो आप आसानी से जो कार्ड आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। ये Xiaomi कार्ड होल्डर की कीमत है तकरीबन 800 रुपये के आसपास। जहाँ से आप ये कार्ड होल्डर्स खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये कार्ड होल्डर्स आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।